हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए तीन डाको स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 12 महीने इसको रख सकते हो। और ये अपने वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। इसमें रिस्क रहेगा वो 10 से 15% के बीच का रहेगा, लेकिन जब रिवॉर्ड आएगा वो 1x 2x का भी रिटर्न आ सकता है, वो भी 3 से 12 महीने में। तो गाइस, आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो मोमेंटम स्टॉक होने चाहिए और निफ्टी को, मतलब बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं, उससे आउट परफॉर्म करना चाहिए। यानी निफ्टी अगर समझो 5% अप हो जाता है तो आपका पोर्टफोलियो 10 से 15% अप जाना चाहिए। उसी तरह नीचे जाता है तो आपका पोर्टफोलियो नीचे कम जाना चाहिए। ऐसे आउट परफॉर्मर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो मैं अभी आपको 3 स्टॉक बताऊंगा। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि हर शाम को मैं ऐसे ईगल स्टॉक देता हूँ। ईगल स्टॉक यानी कि नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से रैली दे सकते हैं, ब्रेकआउट दे सकते हैं, यानी इसमें रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन जब कॉल एक्टिव हो जाता है तो आराम से इसमें 1 से 7 दिन आप इसको पोजीशन बना के रखते हो तो आराम से इसमें 10% की भी रैली दिखा सकते हैं। तो ऐसे ईगल स्टॉक आप देख सकते हो, हर शाम को मैं देता हूँ। उसके अलावा हर संडे को मैं नेक्स्ट वीक के स्टॉक देता हूँ। देखो, ये आप देखोगे पुराना लास्ट संडे का वीडियो, तो ऐसे हर संडे को वीडियो भी देता हूँ। और हर सैटरडे को ऐसे 3 डाको स्टॉक देता हूँ जो आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 12 महीने रख सकते हो और बहुत अच्छे से रैली दिखा सकते हो। तो आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। और उसके अलावा आप ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। देखो, ट्विटर फॉलो करने का बेनिफिट ये रहेगा कि इसके ऊपर मैं फॉलोअप देता रहता हूँ। सॉरी गाइस, जैसे कि कोई भी स्टॉक होता है, जैसे मैंने आपको दे दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ कि स्टॉक क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर जो स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे क्लोज भी देता है तो उसी फ्राइडे को भी मैं बता भी देता हूँ कि स्टॉप लॉस हो गया। अगर अच्छा परफॉर्म देता है तो उसका रिवॉर्ड भी देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखो, ये जैसे दिया था, कब दिया था, 25 दिसंबर को दिया था, 235 पे दिया था। अभी देखो कि लास्ट फ्राइडे का इसका क्लोज तो 270 के करीब है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे फॉलो भी देता रहता हूँ और चालू मार्केट में ट्रेड भी देता रहता हूँ। तो आप अगर फॉलो नहीं करते तो कर सकते हो। देखो, जैसे ये दिया था 335 पे दिया था, 430 चल रहा है, 28% रिटर्न दे रहा है। 5 दिसंबर को स्टॉक दिया था। उसके अलावा ट्राइडेंट देखो, वो 4 दिन, देखो 11 कब दिया था, 11 जनवरी को ही दिया था, 55 के दिया था। अभी ट्राइडेंट का आप क्लोज देखोगे तो 64-65 के करीब है। और इसका टारगेट कितना दिया है मैंने, 1 से 3 महीने के अंदर 70 से 80 का दिया है। तो ये तो देखो आ गया, तो 1 वीक में ही टारगेट आराम से इसमें अचीव हो जाएगा। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम स्टॉक भी होते हैं। तो आप ट्विटर को फॉलो करोगे तो आपको जो मैं यूट्यूब पे देता हूँ उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डोज मिलते रहेंगे, एक्स्ट्रा ट्रेड मिलते रहेंगे। तो आप ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने 3 स्टॉक बताऊंगा जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो 3 से 12 महीने के लिए। तो उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा आरपीजी लाइफ साइंस। आरपीजी लाइफ साइंस स्टॉक का नाम है, एनालिसिस डेट है 15 जनवरी 2022, यानी कि आज की डेट है, सैटरडे का दिन है। और वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। तो आपको पता ही होगा, जो मेरे पुराने वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, मैं कोई भी स्टॉक होता है उसका चार्ट पैटर्न 2-3 कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद ही एंट्री करता हूँ या तो कराता हूँ। यानी कि देखो, पहला रूल्स कौन सा है अपना, कोई भी स्टॉक होता है वो कोई लेवल को रिस्पेक्ट करता है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। यानी कि आपने सुना ही होगा, कोई भी स्टॉक का रेसिस्टेंट ब्रेकआउट होके ऊपर चला जाता है, फिर वो स्टॉक रिटेस्ट करने नीचे आता है, लेकिन वो उसका पहले सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन बन जाता है और स्टॉक वहां से न्यू जर्नी चालू करके ऊपर की साइड चला जाता है। तो यहाँ पे देखो, स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे पॉज लिया कौन से 535 पे, फिर से नीचे आया, फिर से पॉज लिया 535 पे नीचे आया और फाइनली ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद भी फॉल्स ब्रेकआउट आया और दूसरे कैंडल क्या हुआ, ये 535 के नीचे क्लोज दिया। आप ध्यान से देखोगे, ये वाली रेड कैंडल 535 के नीचे क्लोज दिया और स्टॉक नीचे चला गया। तो सपोज यहाँ पे किसी ने एंट्री किया तो 500 यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हो जाता और स्टॉक नीचे आ जाता। तो स्टॉप लॉस भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि नीचे आया तो वो ऊपर जाएगा, फिर उनको बहुत ज्यादा वेट भी करना पड़ता है। देखो, अगर कोई यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो उसको ज्यादा नीचे वेट करना पड़ता है, इसीलिए अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि अपने पैसे किसी में फंसे नहीं। अपने चाहते हैं कि भले रिस्क आए, 5-10% लेके निकल लो, दूसरे में लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप उसको पकड़ के रखते हो और 2-3 साल वो स्टॉक नीचे रहता है तो आपके तो पैसे वहां पे फंस जाएंगे, इसीलिए अपने स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है।
उसके बाद स्टॉक फिर से आया, लेकिन वही लेवल पे क्या किया, देखो 2-3 वीक पॉज लिया और फाइनली क्या किया, ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद अभी कहाँ पे आ रहा है, वही लेवल पे आ रहा है। कौन से लेवल पे, ये जो इसका एरिया था पहले सप्लाई जोन का, वो अभी क्या बन रहा है, डिमांड जोन बन रहा है और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अपने इसको सोच सकते हैं कि उसने रेसिस्टेंट, उसका पहले जो एरिया था वो अभी क्या बनाया, यहाँ पे डिमांड बनाया है। उसके साथ साथ आप देखोगे दूसरा रीजन ADX, देखो आपको पता ही होगा मैं सारे वीडियो में जो वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस होता है वो ADX 25 के ऊपर होता है, तभी मैं उसको बाय का रेकमेंड देता हूँ, क्योंकि वो मोमेंटम स्टॉक होता है। ADX 25 के नीचे होता है तो वो साइडवेज भी चले जाते हैं कभी कभी। सॉरी गाइस। तो अभी क्या है, स्टॉक देखो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसके साथ साथ ADX भी 25 के ऊपर है। और विलियम सर आपको पता ही है वो क्या होता है, विलियम सर -80 के नीचे होता है, आप पुराने वीडियो में पता ही आपको देखा होगा, जब भी -80 के नीचे विलियम सर आता है तो वो स्टॉक का क्या होता है, लास्ट स्विंग होता है। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के कितने चांस है, बहुत हाई चांस है। पहला रीजन क्यों चांस है, कि उसने सप्लाई था वो अभी डिमांड बना है, यहाँ पे देखो 2-3 वीक से वहां पे पॉज ले रहा है, नीचे नहीं आ गया। पहला रीजन ADX 25 के ऊपर है और विलियम्स सर -80 ऑलरेडी आ चुका है, यानी ये दूसरा रीजन कि यहाँ से ऊपर जाने के हाई चांस है। और तीसरा रीजन मेन, समझो स्टॉक यहाँ से नीचे भी आता है तो उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। सॉरी गाइस, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है स्टॉक, यहाँ से समझो नीचे भी आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है। यानी अपने को 3 कंफर्मेशन मिल रहा है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरने के चांस 10% है, ऊपर जाने के चांस 90% है। तो अपने इसमें रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अपने को रिस्क बहुत कम है, लेकिन जब रिवॉर्ड आएगा तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड आएगा। तो ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे रिस्क लिमिटेड है, मतलब कम है, रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यानी कि आप इसको 1x मतलब ज्यादा रिटर्न आ जाता है, एक एक से तीन मतलब 3 से 12 महीने के बाद भी पोजीशन बना के रखते हो और स्टॉक आपकी फेवर में जाता है, तो आप इसको ट्रेल स्टॉप लॉस करके भी पकड़ के रख सकते हो। कोई भी स्टॉक अगर आपके फेवर में जाता है तो उसको कट मत करो, जो लॉस देता है आपके पोर्टफोलियो में उसको कट करो, ताकि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे, रेड में ज्यादा ना जाए। तो इसीलिए अपने बाय करेंगे, स्टॉक का नाम है RPG लाइफ साइंस। रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट आपको समझा दिया, बाय ऑन डिप भी समझा दिया, ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट। ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट यानी कि अभी सपोर्ट नहीं ले रहा है, लेकिन समझो स्टॉक यहाँ से 2-3 वीक साइडवेज जाके यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलके स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो अपने को 3 कंफर्मेशन है कि स्टॉक ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है। तो बाय एट CMP, आपको CMP पे ही बाय कर लेना है, मंडे को ये लेवल के आसपास मिलता है, 615 के आसपास, तो आप इसको बाय कर सकते हो। टारगेट देखो 1230 का मैंने दिया है, 1230 यानी कि यहाँ से डबल का टारगेट है, वो भी 1 साल के अंदर। SL एग्जिटिव वीकली क्लोज बिलो 535, 535 के नीचे वीकली क्लोज दे तो आपको क्या करना है, आपको एग्जिट करना है। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको एक कैंडल पे बताया था, देखो एक कैंडल रेड कैंडल क्या किया था, 535 के नीचे क्लोज दिया था और उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, नीचे चला गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि समझो स्टॉक यहाँ से 535 ये रहा, इसके नीचे जब भी वीकली क्लोज दे तो आपको क्या करना है, तुरंत एग्जिट कर देना है, वेट नहीं करना कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स मारेगा, फिर वो स्टॉक नीचे गिर के 200-250 पे भी आ सकता है। इसीलिए अपने को कम रिस्क है, तो बाइंग लेवल से आपको रिस्क रहेगा वो 13% का रहेगा, रिवॉर्ड कितना रहेगा, 100% का रहेगा, क्योंकि यहाँ से टारगेट है वो डबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:7 का है, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और टाइम पीरियड रहेगा 3 से 12 महीने का रहेगा, उससे भी ज्यादा टारगेट आ सकता है अगर आप पोजीशन बना के होल्ड रखते हो, तो इससे भी ज्यादा रिटर्न आ सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो मल्टी बैक स्टॉक है, यानी कि 1x जाएगा फिर वो स्टॉक नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर 3x 4x भी जा सकता है। जैसे कि लास्ट में अभी 2 महीने पहले मैंने तानला प्लेटफॉर्म दिया था, कब दिया था आप मेरा वीडियो देखोगे तो 8:45 को दिया था। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, अभी मेरे को जस्ट याद आया इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं सॉरी गाइस, देखो यहाँ पे मैं सर्च करके बताता हूँ मैंने कब दिया था,
तो आपको पता चलेगा। मैंने शायद 2 महीने पहले ही दिया था, 2 या 3 महीने पहले ही दिया था, अभी याद आया। वीडियो चालू वीडियो में तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मिलता है तो सर्च में। तो इसीलिए स्टॉक ये मैंने 845 पे दिया था। देखो ये रहा, 845 पे दिया था, 1700 का टारगेट था, और टाइम पीरियड देखोगे तो 3 से 12 महीने का था, और दिया था देखो जून 26 को दिया था, यानी करीब 6 महीने हो गए। लेकिन 6 महीने में आपको रिटर्न देखो, 845 वाला स्टॉक अभी करीब 2050 या 2100 के करीब चल रहा है, यानी 1700 से भी ऊपर चला गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको 1700 पे निकल ही जाना है, अगर आप में पेशेंस है तो आप रख सकते हो और उसको ट्रेल स्टॉप लॉस से जा सकते हो। ये स्टॉक 2100 वाला 2500 भी हो सकता है, यानी 800 वाला 2400 2500 तीन गुना भी हो सकता है। तो और अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, यानी 6 महीने में स्टॉक 800 वाला 2100 हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं, तो आपको अपने हिसाब से इसको होल्ड रखना है। और स्टॉप लॉस मैंने जो बताया वो सबके लिए सेम रहेगा, टारगेट सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो ये पहला स्टॉक हो गया गाइज, आरपीजी लाइफ साइंस। इसमें मैंने आपको बता दिया कि कब बाय करना है और कब एग्जिट करना है। मेन लेवल ये याद रखना है 535 का, क्योंकि ये आने के, क्योंकि देखो 10% का ही रिस्क है, तो ये आने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर स्टॉक वीक होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर चला जाएगा तो ये लेवल आने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। अभी क्रिटिकल लेवल है, यहाँ से नीचे आएगा तो आ जाएगा, अगर थोड़ा भी स्टॉक ऊपर चला गया है यानी अपने फेवर में जा रहा है, तो वो नीचे आने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। तो ये पहला स्टॉक हो गया आरपीजी लाइफ साइंस। अभी दूसरा स्टॉक मैं बताऊंगा जिसका नाम है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टॉक का नाम ध्यान से देखना गाइज, किंगफा है। एनालिसिस डेट रहेगी वो 15 जनवरी 2022, और वीकली चार्ट के ऊपर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इसमें भी सेम रहेगा, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आपने देखा होगा स्टॉक ने क्या किया है, यहाँ पे पॉज मारा नीचे आया, फिर से देखो वही लेवल पे पॉज मारा नीचे आया, और फाइनली क्या किया उसने, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो, पिछले 4-5 साल में जितने वॉल्यूम नहीं आए उतने वॉल्यूम एक कैंडल पे आए। यानी क्या हुआ, कोई स्मार्ट मनी ने इसमें पैसे डाले हैं, तो वो स्टॉक को क्या करेगा, ये जो लेवल है उसके नीचे स्टॉक को गिरने ही नहीं देगा। जितनी बार वो नीचे आएगा तो वो खरीद के ऊपर ही जाएगा स्टॉक, और बहुत हाई चांस है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो स्टॉक ने क्या किया, नीचे भी आया था देखो, लेकिन वीक के एंड में क्या किया, ऊपर चला गया। क्योंकि ये जो लोग पैसे डाले वो लोग इतने पैसे इजीली गवाते नहीं है, जो भी नीचे आते हैं तो वो खरीदते ही रहते हैं, खरीदते ही रहते हैं, और फाइनली स्टॉक फिर ऊपर चला जाता है। तो आप इसको बाय कर सकते हो, स्टॉक का नाम है किंगफा, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ब्रेकआउट भी ह्यूज वॉल्यूम में आपको बता दिया, और एडीएक्स अबव 25 मीन्स मोमेंटम स्टॉक। आपको बोला ये जब भी एडीएक्स 25 के ऊपर होता है, 25 के ऊपर, तो वो मोमेंटम स्टॉक होता है। आप यहाँ से देखोगे ये 25 का लेवल यहाँ से क्रॉस किया है, तो स्टॉक ने फिर क्या किया, नॉन स्टॉप देखो 500 का लेवल था, अभी कितना चल रहा है, 1500 चल रहा है, वो भी कितने टाइम में, 1 साल के अंदर स्टॉक 3 गुना हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी 3 गुना हो गया तो स्टॉक नीचे ही आएगा, वो 3 गुना का 6 गुना भी हो सकता है। तो अपने को स्टॉक को पकड़ के रखना है, रिस्क बहुत कम है, इसलिए अपने बाय करेंगे। तो बाय एट सीएमपी, आपको सीएमपी पे बाय करना है। सीएमपी कितना, 1475 चल रहा है, टारगेट रहेगा वो 3000 का रहेगा, ध्यान से देखना गाइस, डबल का टारगेट है। एसएल एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 1309, 1309 यानी कि ये जो उसका पहले क्या था, सप्लाई जोन था। अगर वो स्टॉक यहाँ से डिमांड जोन में सपोर्ट नहीं ले पा रहा और इसके नीचे क्लोज देता है, तो अपने एग्जिट करेंगे और उसको अपने फॉल्स ब्रेकआउट मानेंगे। लेकिन ऐसे होने के चांस कितने हैं, 10% है। ऊपर जाने के चांस कितने हैं, 90%। उसके पीछे का रीजन क्या है, वॉल्यूम भी है और एडीएक्स भी अपने को बता रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो बाइंग लेवल से रिस्क कितना है, 11% का है। रिवॉर्ड कितना है, 100% का है, और रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:9 का है। और टाइम पीरियड रहेगा वो 3 से 12 महीने का रहेगा, उससे भी ज्यादा पकड़ के रखते हो ज्यादा टारगेट आ सकता है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया
किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा। गाइज आज थोड़ा गले में खराश है, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो गाइज तो अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कल रात को मैंने करीब 3 से 4 घंटे लगे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढने के लिए। लेकिन गाइज प्लीज आप वीडियो को लाइक करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो गाइज फिर अच्छा नहीं लगता। इतनी मेहनत के बाद अगर वीडियोस पे लाइक नहीं आते तो प्लीज गाइज आपको सिर्फ लाइक करना है, मैं और कुछ नहीं बोल रहा, तो आप लाइक कर सकते हो। तो अभी मैं तीसरा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है अमृतांजन। अमृतांजन स्टॉक का नाम है। वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का पहला रीजन क्या है, तो आपने गाइस देखा ही होगा मेरे जितने भी मेन रीजन होते हैं वो सेम जैसे होते हैं। आप मेरे कितने भी पुराने वीडियो देखो तो चार्ट सेटअप है जो वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर आप मेरे देखोगे तो एक जैसे आपको सेटअप लगेंगे। लेकिन आप पुराने मेरे वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मिलेंगे जो एक महीने में 20% 30% और 4-5 महीने में डबल भी हो गए। तो ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। आपको मेन क्या करना है कि डिसिप्लिन के साथ उसको पकड़ के रखना है। अगर कोई स्टॉक जो लेवल बोला उसके नीचे क्लोज देता है तो आपको बिंदास एग्जिट हो जाना है, उसमें ज्यादा वेट नहीं करना कि ऊपर आएगा ऐसा। तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे आपको बताऊं, स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे 2 कैंडल सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी यहाँ पे फिर से आया, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पहला रीजन हो गया। उसके साथ साथ उसने क्या किया, आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। देखो यहाँ पे पहला सपोर्ट आया, यहाँ पे नॉन स्टॉप 3-4 कैंडल से सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे भी बार बार सपोर्ट ले रहा है, यानी बहुत हाई चांस है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर जाए, पहला रीजन। अगर समझो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आ गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आ गए तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, उसका जो पहले सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन भी तो बन सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो दूसरा रीजन। और वो नीचे आने के चांस बहुत कम है क्योंकि देखो ADX 25 के नहीं 50 के भी ऊपर है। जब भी आप देखोगे पुराना, जब भी ADX 50 के ऊपर होता है तो वो स्टॉक वहां से वो ट्रेंड कंटिन्यू रखता है और ऊपर ही चला जाता है, नीचे आने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर स्टॉक में कुछ मैनेजमेंट में कुछ हो गया है तभी वो रिवर्स मार सकते हैं, नहीं तो स्टॉक अपने जो जर्नी है वो कंटिन्यूस रखता है और ट्रेंड लाइन जो है उसको फॉलो करके ऊपर ही जा सकता है, तो बहुत हाई चांस है कि स्टॉक ऊपर जाए। तो पहला रीजन आपको बता दिया, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ADX 25 के ऊपर है, यहाँ पे 25 नहीं 50 के ऊपर है, मोमेंटम स्टॉक है। तो आपको ये स्टॉक को बाय कब करना है, 915 पे बाय करना है, 1830 का टारगेट है वो, यानी कि यहाँ से डबल हो सकता है और SL एग्जिट वीकली क्लोज, ध्यान से सुनना गाइस, वीकली क्लोज है 804, यानी कि उसका जो पहले सप्लाई जोन था वो डिमांड जोन बनेगा। अगर वो भी नहीं बना तो अपने यहाँ पे समझो वीकली क्लोज दिया 804 के नीचे तो आपको एग्जिट करना है। इसमें रिस्क रहेगा वो 12% का रहेगा, रिवॉर्ड रहेगा 100% का रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:8 का रहेगा, और इसमें टाइम पीरियड कितना है, 3 से 12 महीने का है। तो मैंने गाइस आपको 3 स्टॉक बता दिए, तीनों में आप ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो पहले स्टॉक का नाम अपने रिपीट कर लेते हैं, पहला स्टॉक का नाम है RPG लाइफ साइंस, दूसरा स्टॉक का नाम है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा स्टॉक का नाम है अमृतांजन। तीनों में ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो, लेकिन साथों साथ आपको रूल्स फॉलो करने रहेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके जाना, और जो लोग ने मेरे साथ नए जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्विटर को फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेड मिलते रहेंगे चालू मार्केट में भी, और जो भी होता है फॉलो भी उस पर देता रहता। तो गाइज आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और कल मैं ब्रेकआउट स्टॉक लेके आऊंगा, नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक, मतलब आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं ऐसे स्टॉक लेके आऊंगा, तो कल का वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।